Assalamualaikum my YouTube family, welcome back to another vlog. So कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक हैं. अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ. सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ आज बहुत ही क्विक और मज़े की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ. आज मेरे घर गेस्ट आ रहे थे तो उनके लिए बस डिनर प्रिपेयर कर रही थी, तो सोचा ये रेसिपीज आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ ताकि आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो. और अगर आपके घर फिर गेस्ट और आ रहे हैं या उनके लिए आपने डिनर प्रिपेयर करना है तो ये रेसिपीज़ आप ज़रूर ट्राई करें. बहुत क्विक रेसिपीज़ हैं और बहुत ही मज़े की बनेंगी. और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो एंड तक आपने वॉच करना है और लाइक और शेयर ज़रूर करना है. और अगर न्यू व्यूवर्स हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल. और रेसिपीज़ आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी. अगर आप देखेंगे तो आपको सारे स्पाइसेस वगैरह मैंने वहाँ पे दिए हुए हैं कि कौन कौन से स्पाइसेस मैं यूज़ कर रही हूँ, तो आप उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं. तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो. और डिनर के लिए जो डिशेस मैं बना रही हूँ उसमें है रोस्टेड चिकन लेग एंड थाई, क्रिस्पी ऑनियन सैलेड, चीज़ी बेक्ड रिगाटोनी पास्ता एंड चिकन कराटी. सो यहाँ पे सबसे पहले चिकन लेग एंड थाई को मैरिनेट कर रही हूँ. चिकन लेग एंड थाई को मैरिनेशन के लिए सबसे पहले आपने ये करना है कि चिकन लेग एंड थाई को बहुत अच्छे से वॉश कर लेना है. उसके बाद उसको ड्राई कर लेना है, जितना भी उस पर पानी है उसको अच्छे से ड्राई करना है. उसके बाद उसको थोड़ा सा विनेगर लगा कर उसको छोड़ देना है. मैरिनेशन के लिए मैंने योगर्ट लिया है और बाकी सारे स्पाइसेस ऐड किए हैं. स्पाइसेस आपको सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिस्ट मिल जाएगी जो जो स्पाइसेस मैंने इसमें ऐड किए हैं. तो और साथ में जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रही हूँ और साथ में इसमें लेमन जाएगा और इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ. सारे इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद इसमें थोड़ा सा मैंने फूड कलर ऐड किया है. इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है और एक थिन सी पेस्ट बन जाएगी ये. और इसमें अब चिकन को रखना है. चिकन को बहुत अच्छे अंदर तक जितना हो सके आपने इसको मसाला लगाना. सारा मसाला लगाने के बाद इसको आपने 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ देना है. अगर ओवरनाइट रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा कुक हो जाएगा. और अगर डिनर रात में है जैसे मेरे आज के स्टार हैं तो मैंने इसको अभी 5 आवर्स पहले इसको पूरा मैरिनेट करके रख दिया था. और अब मैं बना रही हूँ क्रिस्पी ऑनियन सैलेड, वन ऑफ द बेस्ट सैलेड. मुझे बहुत अच्छी लगती है. मैं मोस्टली ये बनाती हूँ घर में और इसकी रेसिपी बहुत ईजी बहुत क्विकली बन जाती है. डिनर में आप ये ज़रूर रखें, सबको बहुत अच्छी लगेगी. वेजिटेबल्स आप अपनी मर्जी से इसमें डाल सकते हैं. मैंने इसमें लेटस, टोमेटो और फ्रेश ऑनियन ऐड किए हैं. और इसमें मैं डाल रही हूँ क्रिस्पी ऑनियंस गार्लिक पेपर वाले जो ऑलरेडी सीजनिंग हो गए. और ये सैलेड टॉपर है. आप इसको आपको किसी भी ब्रांड में मिल सकते हैं. मुझे ये ग्रेट वैल्यू पे मिले हैं, मैंने वॉलमार्ट से लिए थे. और साथ में मैं ये यूज़ कर रही हूँ चीज़ एंड गार्लिक सीजनिंग क्रोटॉन्स. और इसके साथ भी सैलेड और भी मज़े की बनती है. इसमें मैं थोड़ा सा ब्लैक पेपर और सॉल्ट डालूंगी और थोड़ा सा लेमन जूस डालूंगी. ये डालें अगर ये ऑप्शनल है अगर आप डालना चाहें, क्योंकि ऑलरेडी जो हमने क्रूटॉन्स और क्रिस्पी ऑनियन डाले हैं उसमें वो ऑलरेडी सीजनिंग वाले हैं. तो ये चीज़ें ऐड करना चाहें तो आप ये ऑप्शनल है. तो मैंने इसमें थोड़ा सा लेमन जूस ऐड कर लिया था. ये और ज़रा थोड़ी सैलेड है ना मज़े की हो जाएगी. सो नेक्स्ट डिश है चीज़ी बेक रिगाटोनी. उसके लिए एक पॉट में पानी ले लें और उसको अच्छे से बॉईल करना है. उसमें थोड़ा सा ऑयल और सॉल्ट ऐड करना है. जब पानी अच्छे से बॉईल हो जाए तो उसमें पास्ता डाल दें और उसको अच्छे से बॉईल होने दें. चिकन का कीमा तैयार करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे गार्लिक चॉप कर लेती हूँ. मैं यहाँ पे नाइफ के साथ गार्लिक चॉप कर रही हूँ. अगर आप चाहें तो उसको ग्राइंड कर लें या चॉपर में चॉप कर लें. मुझे ये ज़्यादा इजी लगता है तो मैं इसको इस तरीके से चॉप कर रही हूँ. एक बड़ी कढ़ाई ले ली है और इसमें मैंने 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल की ऐड की है. और अब इसमें डाल रही हूँ चॉप्ड गार्लिक और इसको बस सॉटे कर लेना है. गार्लिक सॉटे होने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चिकन मिंस, चिकन का कीमा. इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है और फ्राई करने के बाद ये थोड़ा सा गोल्डन वाइट सा होना शुरू हो जाएगा. विनेगर इसमें मैं ऐड कर रही हूँ. विनेगर ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल लें. और इसमें थोड़ा सोया सॉस मैंने ऐड किया है. और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टोमेटो पेस्ट. कैन टोमेटो पेस्ट है ये. अगर आपके पास फ्रेश टोमेटोज है आप वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा और कलर भी अच्छा आएगा तो आप ये ऐड कर लें. अब इसमें मैं स्पाइसेस ऐड करूँगी. स्पाइसेस अगेन आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे सारे दे दूँगी, आप वहाँ से देखें
तो जो स्पाइसेस मैंने ऐड किए हैं तो आपको ज़्यादा इजीली पता चल जाएगा कि मैंने क्या क्या इसमें डाला है। स्पाइसेस डाल के मैंने चिकन को अच्छे से मिक्स कर लिया, चिकन बिल्कुल अच्छे से कुक हो गया है। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पास्ता सॉस, ये इटालियन पास्ता सॉस है, इसको मैं हाफ वाटर इसमें मैं डाल दूंगी। और अब मैं इसमें वाइल्ड पास्ता ऐड कर रही हूँ, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पास्ता बिल्कुल रेडी है, इसको मैं अब डिश ऑफ कर दूंगी। नाउ आई एम गोइंग टॉप पास्ता विद मोज़रेला चीज, एक अच्छे से पूरी मोज़रेला चीज की लेयर लगा देनी है। और फिर इस पे मैं चिली फ्लेक्स थोड़े से ऐड करूंगी। फाइव टोमेटोस यहाँ पे मैं कट कर लूंगी चिकन कढ़ाई के लिए। 1.5 kg मैंने चिकन लिया है और इसमें मैं ये 5 टोमेटोस ऐड करूंगी। कढ़ाई में मैंने 1/2 cup ऑयल लिया है, उसको अच्छे से गर्म कर लिया है और उसमें हम ऐड कर रही हूँ जिंजर गार्लिक का पेस्ट। और जिंजर गार्लिक पेस्ट को अच्छे से फ्राई कर लेना है। इसमें मैं ऑनियंस ऐड नहीं करूँगी, सिर्फ टोमेटोज और जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करूँगी। उसी के साथ ही कढ़ाई बहुत मज़े की बन जाएगी। जिंजर गार्लिक पेस्ट इतने अच्छे से फ्राई करना है कि इसकी जो रॉ स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। और इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन। चिकन को अच्छे से फ्राई कर लेना है ताकि गोल्डन ब्राउन हो जाए। और इसमें फिर मैं सारे स्पाइसेस ऐड कर दूंगी। स्पाइसेस आपको अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे मिल जाएंगे, जो जो स्पाइसेस मैंने चिकन कढ़ाई में ऐड किया। अच्छे से सारे मसाले मिक्स कर लेने हैं और इसमें हम ऐड कर रही हूँ चॉप टोमेटोज। स्पून योगर्ट ऐड कर रही हूँ टोमेटोज के साथ ही, योगर्ट ऐड कर देना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद उसको कवर करके तो 30 मिनट्स के लिए आपने कुक करने के लिए छोड़ देना है ताकि चिकन अच्छे से कुक हो जाए और जो टोमेटोज हैं उसकी अच्छे से ग्रेवी बन जाए। जब तक चिकन कढ़ाई रेडी हो रही है यहाँ पे मैं चिकन लेग एंड थाई को जो मैंने ऑलरेडी मैरिनेट करके रखा हुआ था 4 आवर्स हो चुके हैं तो उसको मैं एयर फ्राई के लिए रख रही हूँ। तो मैं एयर फ्राई यहाँ पे कर रही हूँ अपनी एयर फ्राई में 370 डिग्री में 25 मिनट्स के लिए मैंने उसको रखा। और यहाँ पे साथ में पास्ता भी बेक हो गया है ऑलमोस्ट, इसको भी मैंने 370 डिग्री में 15 मिनट्स के लिए ओवन में बेक किया। और चिकन कढ़ाई भी बिल्कुल रेडी है, मैं इसको गार्निश करूंगी फ्रेश सिलांट्रो के साथ और इसमें थोड़ा सा ग्रीन चिलीज ऐड करूंगी। और जिंजर को मैंने जूलियन साइड में कट कर दिया था, वो मैं इसको थोड़ा सा डाल दूंगी और एंड पे इस पर गरम मसाला ऐड करूंगी फॉर द फ्लेवर। बहुत ही मज़े की चिकन कढ़ाई बनी थी, आपने ज़रूर ये रेसिपीज ट्राई करनी है जितनी भी मैंने आज आपको रेसिपीज बताई हैं। बहुत ही क्विक है ये सारी रेसिपीज, आप बहुत जल्दी अगर आपके घर कोई गेस्ट आ रहा है तो जल्द जल्दी से आप ये रेसिपीज सारी बना सकते हैं। सब कुछ रेडी है सर्व करने के लिए, तो कैसी लगी आपको मेरी सारी रेसिपीज़ आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है और आपकी सारी रेसिपीज ज़रूर ट्राई करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे मुलाकात होगी, अपनी दुआ में मुझे बहुत सारा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।